हेलो गाइस, तो प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कल दरअसल 22 को हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। एंड अभी देखोगे आज 23 को हम लोग क्या करने वाले हैं। इट इज़ मोस्टली जर्नी बिकॉज आज हम जाने वाले हैं वापस मैसूर। सो यस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम लोग अभी तैयार होके निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। मॉम आंटी को वेव कर रहे हैं बिकॉज वो वही घर से ही देख रहे थे, बालकनी से, मतलब विंडो से। सो यस, अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पे जाएंगे अभी एंड चेक इन सब करके फिर जब बोर्डिंग होगा तब निकलेंगे मैसूर के लिए। तो यस, अभी तुम लोग जर्नी एंजॉय करो। हेलो गाइस, तो अभी हम बस ट्रैफिक में कैब में बैठ के वेट ही कर रहे हैं। बस मॉम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच ही गए समझो। एंड यस, ये लो सहारा स्टार होटल। मुझे कभी ना कभी यहाँ पे मतलब स्टे नहीं, तो एटलीस्ट मुझे एक बार अंदर से देखना है इसको। एनीवेज, चलो अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट। लो पहुंच गए हम एयरपोर्ट। अभी उतरते हैं कार से, आई मीन कैब से, एंड फिर लगेज भी निकालना है, तो लेट्स गो। तो ये हाँ, हम लोग वॉशरूम आए हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमें थोड़ा फ्रेश ना, मतलब हैंड वॉश कर करना था मुझे, तो आए। एंड ये लो हमारा लुक देख लो, दैट्स माई लुक फॉर टुडे। सो यस, ये देखो ये ड्रायर कितना मतलब डिफरेंट है, मैंने इस टाइप का नहीं देखा। बट यस, मैंने मॉम को बोल दिया कि चलो रिकॉर्ड करो मुझे ड्राई करते हुए, हैंड ड्राई भी। तो यस, अभी चलो मैं तुम लोगों को ड्रायर भी दिखा देती हूँ कैसा है वो, मतलब साइड एंगल से तुम लोगों को पता चल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। सो यस, लेट मी शो यू ऑल।
तो ये लोग, ये है डायसन का भाई, बड़े लोग ऑब्वियसली एयरपोर्ट में है तो हाँ. एंड यस इट वॉज नाइस. तो चलो अभी तो हम चलते हैं, बोर्डिंग के लिए जाना भी है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पहले ये सब चेक इन सब करके चलते हैं. सो यस गाइस, सिक्योरिटी चेकिंग सब हो गया एंड अभी हम आके बैठे हैं वेटिंग एरिया में जहाँ पे हम बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे साइड में एक और फ्लाइट का बोर्डिंग चल रहा है तो लोग लाइन में खड़े हैं. एंड यस, चलो अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो कुछ ले लेते हैं. साइड में एक शॉप है तो वहाँ से ले लेते हैं. सो चलो अभी दिखा देती हूँ तुम लोगों को शॉप जो मैं बोल रही हूँ, जिसकी बात कर रही हूँ. सो ये है वो शॉप जहाँ से हम अभी जाके लेने वाले हैं. सो यस लेट्स गो. सो गाइस, हमने लिया ये गुआवा वाला जूस एंड यस चिप्स भी लिया है साथ में. एंड यस क्या बोल रहे हैं, आई मीन यहाँ पे MRP में मिल रहा है, पहली बार मैं देख रही हूँ एयरपोर्ट में इतने कम में, मतलब एक्चुअल MRP जो बाहर मिलता है उसी प्राइस में मिलते हुए. सो इट्स नाइस. सो गाइस, हमारा बोर्डिंग अभी शुरू हो चुका है. सो अभी चलते हैं फ्लाइट में बैठने. तुम लोग बस व्यू देखो, एंजॉय करो. तुम लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो लेते लेते मैं ऐसे रुक क्यों गई, बिकॉज़ हम फोटो भी ले रहे थे साथ में. सो चलो अभी ट्रैवल एंजॉय करो तुम लोग. सो हम अब आके अपने सीट्स में सेटल हो चुके हैं. अभी हम थोड़ा सा चिप्स खाएंगे, थोड़ा जूस पियेंगे. सो मिलते हैं बाद में. तुम लोग बस जर्नी देखते रहो.
तो हमारा प्लेन ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए तैयार है एंड पीछे भी दो प्लेन्स वेट कर रहे हैं कि हम जाएंगे और उसके बाद वो दोनों भी निकलेंगे. सो यस लेट्स गो. गाइस बादल के साथ साथ नीचे का व्यू भी देखो क्या मस्त लग रहा है. सॉरी फॉर द व्यू, मतलब प्रॉपरली मैंने पकड़ा नहीं फ़ोन थोड़ी देर के लिए, बट व्यू तो देखो यार क्या मस्त लग रहा है. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं चेन्नई. ऑब्वियसली मैसूर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बॉम्बे से, सो बॉम्बे टू चेन्नई एंड चेन्नई टू मैसूर. सो चलो अभी चेन्नई में लैंड होने वाला है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे. क्या आगे सब बताऊंगी, तो अभी के लिए चलो लैंडिंग होने दो पहले. तो लैंडिंग हो चुका है और अब हम सब उतरने के लिए वेट कर रहे हैं. सो चलो उतरते हैं, उसके बाद मिलती हूँ.
तो ये लो गाइस, ये देखो कितने अच्छे से हमें नमस्ते करके वेलकम किया जा रहा है वॉशरूम में भी। तो यस, चलो अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता है, बैग सब यहाँ पे रख दिया है, एंड यस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये लोग हम लोग आ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग वो सब करने के लिए। एंड ये पीछे वाले देखो कैसे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने। चलो अभी चलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग वो सब है तो वो सब कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों को। तो गाइस फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेकिंग सब हो गया है और अभी बहुत टाइम है हमारे बोर्डिंग में, तो हमने सोचा कि चलो जाके लॉन्च में बैठ जाते हैं। हमें पता ही नहीं था वैसे लॉन्च भी ऐसा कुछ होता है, बिकॉज़ हम ज़्यादा फ्लाइट में घूमे नहीं पहले। तो हमारे कज़िन ने, मतलब बॉम्बे में जिसके घर पे रह रहे थे ना, तो उन्होंने हमें बताया कि लॉन्च भी होता है, तो वहाँ पे तुम लोग जा सकते हो जब वेट करना हो। तो हमने कहा कि चलो देखा जाए कि कैसा होता है क्या है। सो हम लोग अभी आए हैं, तो थोड़ा वहाँ पे जाके बात करके सब होने के बाद मिलती हूँ मैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठ के कुकी खा रहे हैं जो मेरी आंटी ने दिया हमें, क्योंकि लॉन्च के अंदर हम लाइक 2 घंटा रह सकते हैं बस। तो उन्होंने कहा कि आपकी बोर्डिंग में अभी टाइम है तो उससे 2 घंटा पहले आना, तो अभी थोड़ा टाइम है। तो हमने सोचा कि चलो बाहर ही वेट कर लेते हैं, और क्या करना है, तो चलो अभी ये खाते हुए वेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग जल्दी ही आ गए अंदर, बिकॉज़ हमने सोचा कि अभी बोर्डिंग का टाइम एग्जैक्ट उस टाइम पे तो हम जाएंगे नहीं, थोड़ा पहले ही जाएंगे क्योंकि गेट सब दिखना है। तो हमने उनको कहा कि अभी हमें अंदर आने दो, हम एग्जैक्टली 2 घंटे बाद निकल जाएंगे भाई। उन्होंने कहा ठीक ठीक है आ जाओ। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय बाय। गाइस 2 घंटा हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं बोर्डिंग के लिए। एंड यहाँ पे देखो लाइन लग गया है, अभी शाम के टाइम पे आई गेस ऐसा ही लाइन लग जाता है, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं ना दोपहर से ही। तो अभी ये लोग लाइन में वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। सो चलो हमारा तो हो गया, हम अभी वॉशरूम चलते हैं, उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके जाएंगे बोर्डिंग के लिए, बैग सब रख देते हैं। चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं वेटिंग एरिया में, अभी हम जाके प्रॉपरली एक बार पूछ लेते हैं कि कब आने वाला है, क्या कहाँ पे आने वाला है, बिकॉज़ लास्ट टाइम जैसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो पूछ लेते हैं। हमने पूछ लिया और अभी थोड़ा टाइम है, तो आके हम लोग बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। सो चलो गाइस, इनका बैग तो देखो क्या कलरफुल और मस्त लगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब मेरी नज़र तब से उसी पे लगा हुआ है। फाइनली बोर्डिंग हो गया और अब हम बस में बैठ चुके हैं, एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तुम लोग बस इन्जॉय करो हमारा जर्नी, बीच में कुछ भी हो तो मैं बता दिया करूँगी। सो यस इन्जॉय द जर्नी गाइस।
सो हम अभी सेटल हो गए हैं सीट में, और अभी भी हमारा फोटो सेशन चालू है. तो चलो अभी एंजॉय द जर्नी. आई विल सी ऑल. मैसूर का टॉप भी तो देखो गाइस, क्या मस्त लग रहा है यार. सीरियसली सो हियर गो, हम पहुंच गए हैं मैसूर. वी आर ऑलमोस्ट लैंडिंग. एंड यस, अभी हम बस लैंड होने के बाद निकलेंगे लगेज लेके, फिर कैब बुक करना है एंड उसके बाद जाएंगे घर. सो अभी देख लो आगे. सो गाइस, अभी इस तरफ जिसने भी रखा था उन लोगों ने तो अपना लगेज ले लिया. अब हमारा इस मतलब पीछे की तरफ है जिस तरफ मैं हूँ, एंड मैं अपना खोल भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. सो चलो अभी लगेज ले लेती हूँ, फिर मिलते हैं. अब बाकी जगह पे तो हो गया, अभी फ्लाइट के साथ भी तो एक फ़ोटो बनता है ना, तो चलो अभी उसके साथ भी एक फ़ोटो ले लेते हैं. एंड यस, चलो चलते हैं आगे. और ये लो हमारा मैसूर का एक छोटा सा क्यूट सा एयरपोर्ट. यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है वैसे तो. तुम लोग व्यू देखो, एंड हम लोग अभी आ गए अंदर जाके लगेज सब ले लेते हैं. ये लो हमारा एक और फ्रेंड हमसे मिलना आया था. एंड अभी हम बस वेट करते हैं कैब का. तब तक मैं तुम लोग को एयरपोर्ट का फैन व्यू दिखा देती हूँ. आई डोंट नो, मैंने पहले शायद दिखाया नहीं. एनीवेज तो देख लो तुम लोग व्यू. एंड यहाँ पे हमारा तिरंगा लहराते हुए कितना अच्छा लग रहा है यार. सो अभी चलो अभी कैब का वेट करते हैं, फिर तुम लोग बस व्यू देख लो. मिलती हूँ बाद में. चलो एक फ़ोटो एयरपोर्ट के साथ भी लिया जाए. एंड देन अभी हम निकलते हैं घर के लिए कैब आते ही.
हेलो गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को इस व्लॉग में अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। एंड यस, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर तो हूँ नहीं, आई नो पहले भी मैं व्लॉग्स बना चुकी हूँ, बट फिर भी इतना यूज्ड टू नहीं हुई हूँ मैं अभी तक। सो अगर कुछ ज़्यादा बोरिंग लगा हो कोई भी पार्टी या कुछ भी हो, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं आगे की व्लॉग्स में उसका ध्यान रख सकूँ। एंड यस, दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को बॉम्बे की ये जर्नी जो मैंने दिखाया अभी चार व्लॉग्स में, आप लोगों को मज़ा आया हो उसमें। एंड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू सशीज वर्ल्ड। बाय बाय।